टायर मेरा पूरा बन चुका है जॉनी सिंस का सर। देखो गाइस, जिनको नहीं पता है उनको बता दे, उसे डेंसिटी नापा जाता है। हेलो गाइस, वेलकम। तो देखो यहाँ रही अपनी बीस्ट कुछ इस तरह से भाई, ये पूरा टायर खत्म हो जा रहा है। ओह देखो, पूरा प्लेन हो गया, साइड साइड पूरा नीचे दब गया है और बीच में उठ गया है। और उधर है मेरा गांव और हम गांव के बाहर एक हल्का सुनसान सा रास्ता में अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं आज। पहले ये टायर अगर था तो उतना खास मजे नहीं आता देखने के लिए, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई हम कल शाम को धोए थे 6:30 बजे, पूरा अंधकार हो गया था तब हम बाइक को धोए, क्योंकि हम ना यहाँ पे ऑयल लगाए थे। ज़्यादा हम स्प्रे नहीं खरीदते हैं क्योंकि स्प्रे थोड़ा महंगा हो जाता है ना, उसको मेंटेनेंस करना बहुत दिक्कत है, इसलिए हम जला हुआ इंजन ऑयल रहता है ना उसको लगा लेते हैं। तो जला हुआ इंजन ऑयल के लगाए थे तो पूरा गंदा हो गया था इधर ना, तो फिर हम उसको फिर बाइक को धोए। भाई हम हमेशा खुद से ही बाइक को धोते, घर में रहते हैं तो दुकान में ज़्यादा धुलाते नहीं, दुकान में एक तो अच्छा से धोते नहीं है। और भाई अभी चैनल का नाम तो मेरा फ्लैग बस हो गया है, तो यहाँ पे द को हटवा देना है अभी, लेकिन वो कब करेंगे वो तो समझ में हमको खुद ही नहीं आ रहा है। और देखो ये सब भी निकल रहा है, सबको हम एक ही बार में हटवा देंगे और कुछ अच्छा सा नया सा मॉडिफिकेशन कराएंगे। और देखो इस सबको भी निकला देना है, बहुत अच्छा चिपका था लेकिन आधा आधा निकल गया है। और देखो भाई आगे से कुछ इस तरह से लुक है भाई, बाइक क्या ही बोले, पूरा झकास बोलते हैं इसको। और अपना कूलेंट भी पूरा कम हो गया है, जाके हमको फिलअप कराना है। मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है लेकिन उसको हम डालना भूल गए थे, पिछले बार ही बोला था कि कम हो गया है, उसको हम ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तो कोई ना, चलो फिर यहाँ से निकलते हैं बिना कोई देरी के, हमको रांची भी जाना है क्योंकि अपना क्लास है और अभी हमको जाना है 40 किलोमीटर। अभी हम जा रहे हैं असित के घर से हमको लेना है केला, वो अटेला घर पे लगाया हुआ है ना, तो वो पक गया है तो उसको लाने बोला है। कितना मिलता है वे देखो घर से। और आज हमको मेरा बैग बहुत भारी लग रहा है क्योंकि हम लैपटॉप लेके आए थे ना, तो वीडियो एडिट करना पड़ता है ना, इसीलिए लेके घूमना पड़ता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कुछ अच्छा सा फ़ोन खरीद लें, बहुत जल्द लेंगे, जिससे सब काम उसी में हो। सजेस्ट करो कोई कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा वीडियो सब एडिट करने को। देखो इतना बड़ा ठोकर सटता है यहाँ पे, बहुत दुख लगता है। सजेस्ट करो कौन सा फ़ोन ले जो रील्स बनाने में हेल्प करे। मेरे दिमाग में 2-4 ऑप्शन है लेकिन एक सजेशन की उम्मीद है आप सबसे। लैपटॉप को हर जगह कैरी करना बहुत प्रॉब्लम होता है ना, और उस पर अच्छा से एडिट भी नहीं होता है, उस पर टाइम बहुत अधिक लगता है। अगर मोबाइल रहेगा तो भाई 2 उंगलियों से जैसे करो वैसे एकदम पूरा फास्ट एडिट होता है, इसलिए मेरे को ये भी एक डिसएडवांटेज लगता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक ले ही ले फ़ोन। और देखो ये भाई हमारा पिकनिक स्पॉट बहुत बड़ा स्थान है, पूरा खुला हुआ, यहीं पे न्यू ईयर में सेलिब्रेट करने आते हैं। देखो इसको बोलते हैं हम लोग बियरखो पुल, बियरखो नदी है ये, यहाँ तक नहाने भी आते हैं। केला लेने तो आए लेकिन घर बाहर से बंद है, अब हमें खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। तो हम भी सोचे होगी बोल कैसे आ गए, कॉल भी नहीं किए थे। तो केला नहीं मिला उसको। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। मांडर कॉलेज मांडर स्टूडेंट्स, हम तो हॉस्टल में रहे हैं तो ऐसे ज़्यादा साइकिल में आए गए नहीं है, कभी कभी आते जाते थे इसीलिए मेरे को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन भाई आने जाने में बहुत अधिक स्ट्रगल होता है, साइकिल पैरते पैरते जाओ और पैरते पैरते आओ, हालत ख़राब, फिर घर आके वापस पढ़ना, फिर पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा। जो इतना करके भी पढ़ लेते हैं ना भाई, वही लोग आके जाके देश को संभालते हैं। मांडर से मेरे को फिर से वापस गाँव लौटना पड़ रहा है, लोग अभी मेरे को कॉल किया और बोल रहे हैं मेरे को भी लेते चलो रांची। भाई क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, घर से वापस निकलो फिर वापस फिर घर जाओ, घर से निकलो फिर घर वापस जाओ। 10 बजे से मेरा क्लास है, पहुंच पाएंगे या फिर नहीं, अभी हो चुका है 9:06 हो गया है, 9:06। हेलमेट रे अंकित जगह है ना। देखो गाइस, जिनको नहीं पता है उनको बता दे, उसे डेंसिटी नापा जाता है, कुछ उस तरह से डेंसिटी नाप रहे हैं उनसे, फिर निकलेगा डेंसिटी कितना है, फिर वहाँ पे उसको पुट करा जाएगा, क्योंकि डेंसिटी डालना मैनुअल होता है, जितना निकलेगा उसको वहाँ पे डाला जाता है। कृपया मोटरसाइकिल से उतर कर पेट्रोल भरवाएं, कृपया पेट्रोल भरवाते समय मोबाइल फ़ोन से बात ना करें। MT15 एफजेड बोलता है, किस एंगल से एफजेड लग रहा है, पुराने ज़माने के लोग भी ना अच्छा मजाक करते हैं। 160 गाड़ी उतरेंगे।
भाई ये क्या क्या नियम है भाई, गाड़ी से उतर के पेट्रोल भरवाओ। मेरे को लगा मजाक हो रहा होगा यहाँ पे, सही में उतरवा दिया यार। अच्छा गाड़ी से क्यों उतर नहीं बोलते हैं? कहीं आग लग गई है। बाइक में आग लगता है इसलिए। ओह चलो भाई, ये चीज़ अपने सेफ्टी के लिए ही हो रहा है, आग सब लग जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है ना, इसलिए। अरे देख रहे हो एक ही से लप हुआ है। साढ़े नौ तो यहीं पे बज गया, 7 मिनट मेरा फास्ट है और फिर 10 बजे से मेरा क्लास है। आई होप कोई चांस ही नहीं है, होप करना क्या बात हो गया, यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है भाई 10 बजे तक पहुँचना, क्योंकि अभी हम जैसे 15 पार करेंगे ना फिर इतना अधिक जाम मिलेगा, इससे हालत ख़राब हो जाएगा, जाम में तो आधा एक घंटा लग ही जाएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं घुसेगी, घुस जाते लेकिन घुसाना नहीं है, बिकॉज ऑटो ड्राइवर वाले लोग अच्छे से चलाने नहीं जानते हैं, ऐसे ऐसे चलाते हैं वो सब, ऐसे लगता है उनको इससे बाइक चला रहे हैं। अबे साला यहीं से इतना अधिक जाम, अरे यार नो नो, मेरा इस समय क्लास बहुत अधिक छूट जाएगा। आखिर मसला क्या है यहाँ पे जितना जाम लग रहा है? अरे ये सस्ता ठेकेदार लोग का रास्ता, 10 बज गया और सिचुएशन अभी पूरा जाम जाम सा है। तो चलो मिलते हैं सीधे हम लोग कॉलेज के बाद। The next day. तो गाइस आज है दूसरा दिन, हम कल कॉलेज के बाद मिलेंगे बोले, लेकिन हम कल मिल नहीं पाए, तो आज अपना क्लास जल्दी खत्म हो गया, 2 क्लास नहीं हुआ, मतलब जल्दी छुट्टी हो गया ना। कल ही का कुछ कुछ प्लान था लेकिन वो चीज़ सफल नहीं हो पाया, तो आज भगवान की कृपा देखो 2 प्रैक्टिकल क्लास हुआ ही नहीं। महीनों बाद इंडिपेंडेंस डे वाला व्लॉग डाले तो भाई यूट्यूब नाराज़ है, बोल रहा है अगर तुम कंटिन्यूस मेरे पे रेगुलर नहीं रहोगे तो भाई हम भी तुम्हारे साथ रेगुलर नहीं रहेंगे। आज ना हम अपना कैमरा एंगल चेंज किए हैं, पहले होता था कि राइट हैंड ज़्यादा दिखता नहीं था, इधर वाला हैंडल बार ज़्यादा विजिबल नहीं होता था कैमरा पे जब स्क्रीन में देखते थे, तो थोड़ा हम राइट साइड किए हैं, तो पता नहीं उम्मीद होगा कि थोड़ा अच्छा आ रहा होगा। और जब हम घर से आ रहे तभी हम किए थे, फिर हम वीडियो देखे ही नहीं अभी तक कैसा आउटपुट निकला है उसको। हल्का राइट साइड किए हैं ना तो मेरे को उतना अच्छा ज़्यादा कंफर्ट नहीं फील हो रहा है, लेकिन भाई अच्छा लग रहा है। मेरा हेलमेट ही अच्छा नहीं है कैमरा लगाने के लिए, क्योंकि मेरा आगे साइड बहुत अधिक निकला हुआ है तो उतना अच्छा होता नहीं, मेरा मुंह से थोड़ा दूर हो जाता है कैमरा और विजिबल भी नहीं होता है, ऑन है ऑफ है वो अच्छा से दिखता भी नहीं है। ओहो सोचिए हम अच्छा से लीन मारेंगे भाई, टायर पीछे नहीं है तो थोड़ा मेरे को संभल के चलना पड़ेगा, ज़्यादा अधिक लीन नहीं मारना है क्योंकि टायर मेरा पूरा बन चुका है जोनीसिंस का सर। किधर से नज़ारा थोड़ा अच्छा आएगा गाइस, ढूंढो नज़ारा। इधर थोड़ा है सूखा सूखा घास, हम ग्राउंड शॉट लेंगे तो बहुत मज़ा दिखेगा इधर से। खजूर पेड़ सामने दिख रहे हैं, वहाँ अच्छा रील्स आता, लेकिन वहाँ पे तो और लोग हैं, वहाँ पे जाके दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है, सब लोग गुल्लू गुल्लू कर रहे होंगे। इधर से अच्छा आएगा इधर, अच्छा। ओह नंबर प्लेट को फिर डाल लो अंदर। अरे भाई ओहो एक नट खुल गया, कोई ना एक नट लगवा लेना यहाँ पे, ये वाला खुल गया। रील्स बनाने के लिए तो ऐसे करना पड़ेगा ना मामू, मामू अभी पकड़ेगा नहीं यहाँ पे। देखो यहाँ से और कुछ इस तरह से लग रहा है भाई, क्या इसे कहाँ से बोलते हैं, इधर कबूतर सब आया है, बट कबूतर लोग पे ध्यान नहीं देना है वरना दौड़ा दौड़ा के पिटेगा।